बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। सबसे पहले नंबर सांसद जी ने, मंत्री जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। 6 पॉइंट में 3 पॉइंट मेरे ऊपर आरोप किए थे कि मैं अनावश्यक रूप से कलेक्टर पर दबाव बनाकर लॉकडाउन को खुलवाना चाहता हूँ, गलत तरीके। मैंने उसका जवाब देना चाहा, उन्होंने अपना संतरण दिया। दूसरा, उससे ज़्यादा ये थी, जो जनता चाहती है, जो व्यापारी चाहती है, जनता और व्यापारी जो चाहती है, उस हिसाब से लॉकडाउन खुलना चाहिए, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। इसमें मेरा ये कहना था कि पूरा मार्केट एक साथ खुले, ताकि पूरा मार्केट जब एक साथ खुलेगा तो जितने भी लोग आए हैं वह अलग अलग दुकानों में जाए और व्यक्ति अपने च्वाइस का सामान ले सके, च्वाइस की दुकान। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि जो आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य चाहें वह निर्णय लें, लेकिन उन्होंने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की बात को न मानते हुए, व्यापारियों की बात को न मानते हुए, सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह जी ने, माननीय मंत्री जी ने एक अपना कुदरती आदेश पारित करवा दिया अपने टीवी के माध्यम से कि मार्केट एक लाइन में खुलेगा, एक लाइन में बंद। फिर आपने उसका बहिष्कार कर दिया बैठक का। हमें वो बात स्वीकार नहीं थी, हमें वो बात स्वीकार नहीं थी। हम कह रहे थे पूरा मार्केट खुले और आपने फरमान जारी कर दिया, तो हमको यशमैन थोड़ी है कि आपकी गलत बात में हम अपनी सहमति दें। हमने अपनी सहमति नहीं दी, हमने ये कहा कि ऐसी बैठकों में जहाँ बात ही नहीं सुनाई देना है, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हमने कहा कि जब आपको सुनना ही नहीं है तो हम लोगों को बैठक में क्यों बुलाते हैं, आप अपना फरमान जारी करिए। हमें वो फरमान स्वीकार नहीं है, ऐसी बैठकों में आना चाहता हूँ, सॉरी। तो इस प्रकार की बैठकों के लिए मुझे निमंत्रण भी नहीं मिला। नजरअंदाज नहीं कर रहे, अरे हमें नजरअंदाज आप कर दीजिए, जनता को थोड़ी नजरअंदाज कर सकते। और बड़ी सीधी बात है, मार्केट में जितनी अधिक दुकानें खुलेंगी, कस्टमर खरीदार उतनी ज्यादा जगहों पर जाएगा। आप मार्केट में 1000 लोग हैं और 100 दुकानें खुली हैं, भीड़ लगेगी। अगर मार्केट में 1000 लोग और 1000 दुकानें खुली हैं तो इसमें भीड़ नहीं लगेगी। आपका उद्देश्य भीड़ दबाई रहे ना, तो बीमारी ना फैले, आप तो और भीड़ को आमंत्रित कर रहे हैं। अब आपने फरमान जारी कर दिया है, अब वो उनकी मजबूरी है, जिला प्रशासन की, उसको माने, ऐसा थोड़ी।